शाहपुर पुलिस ने 10,000 के इनामी शादी चैन स्नेचर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिसकी पहचान चिलवाताल थाना क्षेत्र के चिहुटहा निवासी प्रदुमन मल पुत्र हेमंत मल के रूप में हुई है, जबकि इसका एक साथी मनोज निषाद पुत्र उमापति निषाद फरार हो गया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से पुलिस ने लूट की सोने की चैन का आधा टुकड़ा, 10,000 रुपए नगद, 315 बोर का एक तमंचा, जिंदा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। शाहपुर थाना क्षेत्र में अभियुक्त द्वारा महिला के साथ चैन स्नैचिंग की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद होने के बाद उसकी शिनाख्त के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस लाइन सभागार में घटना की जानकारी देते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर शहर में चैन स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए श्री योग गोरखनाथ के नेतृत्व में थानाध्यक्ष शाहपुर की टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक दुर्दांत और शातिर चैन लुटेरा प्रदुम मल गिरफ्तार किया गया है, जो अभी हाल में ही जुलाई में जेल से छूट के आया है और 3-4 चैन की लूट की घटनाओं में इसको जेल भेजा गया था। जेल से छूट के आने के बाद इसने 26 अगस्त को थाना गुलरिया क्षेत्र में और 29 अगस्त को थाना शाहपुर क्षेत्र में एक महिलाओं के साथ चैन लूट की घटनाएं कारित किया था और इस पर गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। यह गैंगस्टर एक्ट में थाना गुलरिया से वांछित भी चल रहा था। ये चैन स्नैचिंग इसका एक तरह से पेशा बन चुका है और अपने साथी मनोज निषाद के साथ यह चैन स्नैचिंग करता है। इसकी गिरफ्तारी के समय हरे रंग की मोटरसाइकिल जिस गाड़ी से इसने लूट की घटना का अंजाम दिया था, गुलरिया और शाहपुर की घटनाओं को, उसी गाड़ी से गिरफ्तार किया गया, गाड़ी बैठा हुआ। इसके साथ से तमंचा और कारतूस भी मिले। शाहपुर की जो चैन की लूट की घटना हुई थी उसमें इसके पास से आधी चैन बरामद हुई, आधी चैन इसने दे दिया था बेचने के लिए अपने साथी मनोज निषाद को। गुलरिया वाली जो चैन स्नैचिंग थी 26 अगस्त को, उसमें इसके साथी मनोज निषाद ने एक शराब के यहाँ बेचा था, उसमें 25,000 रुपये मिले थे उस चैन की बिक्री से। इसके पास है 10,000 रुपये उसके हिस्से के उस लूट के बरामद हुए हैं। तो नहीं, इसका साथी मनोज निषाद अभी गिरफ्तारी के लिए शेष है, इसके पहले भी वो अभी जेल जा चुका है, वो अभी छात्र चैन स्नैचर है। पैसे के लिए इनके पास पैसे उधार हो गए थे, इन्होंने महिला को देखा, टारगेट कर लिया और अभी हाल में जुलाई में जेल से छूट के आया। नहीं, इनके साथ चैन लुटेरों की एक गैंग है जिसका लीडर सूरज जायसवाल है और उस गैंग को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, पंजीकरण कराने के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही SSP महोदय के अनुमोदन के पश्चात वो गैंग रजिस्टर्ड हो जाएगा। यह पूरी तरह से चैन स्नैचरों का ही गैंग। इसका साथी जो फरार है उसके ऊपर भी इनाम हो सकता है? नहीं, ये चूंकि गैंगस्टर एक्ट में वांटेड था गुलरिया थाने से पहले से, तो इसकी गिरफ्तारी के लिए उसी अभियोग में कप्तान साहब ने इनाम घोषित किया था। इसका साथी जो फरार हो गया है और जिसके पास आधी चैन है और बाकी शाहपुर की लूट की रकम बरामद होनी शेष है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।